बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू इम्तियाज़ मोबाइल रिपेयरिंग लैब। आज मेरे पास नोकिया 105 मोबाइल है। इसमें इसका मॉडल नंबर है TA-1010 और इसमें वाइट LCD का प्रॉब्लम है। अभी मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ और इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और इस स्क्रीन को चेंज किए बगैर हम इसका जो वाइट LCD का प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप ये वीडियो फुल वॉच करते हो तो इंशाल्लाह फिर आपको कोई और वीडियो देखने नहीं पड़ेगी। मैं मोबाइल को ओपन करता हूँ और चलते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ और देखते हैं कि इसमें कौन से पॉइंट पर मसला है। तो हम आ गए माइक्रोस्कोप की तरफ और आप देख रहे हो कि इस LCD में पहले से काम हो चुका है। तो सबसे पहले मैं LCD को उतारूँगा और उसके बाद हम एक एक पॉइंट को मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि इसके कौन से पॉइंट पर रीडिंग नहीं आ रही और कौन से पॉइंट पर मसला है। तो सबसे पहले मैं इस पर पेस्ट लगाता हूं और मैं इस LCD को रिमूव करता हूं हीट गन के ज़रिए से ताकि ये आसानी के साथ रिमूव हो सके। LCD को मैंने रिमूव किया और अभी मैं इस पॉइंट को साफ़ करूंगा और फिर हम एक एक पॉइंट को चेक करेंगे कि कौन से पॉइंट पर मसला है। तो अभी मैं थिनर से इसको साफ़ करता हूं ताकि सारे पॉइंट जो है हमें वाज़ह नज़र आ सके। सारे पॉइंट को मैंने अच्छी तरीके से साफ़ किया है और आप ये देख रहे हो कि इस दो पॉइंट पर पहले से जम्पर लगा था और ये उतर चुका है। तो हम दोबारा इसको जम्पर करेंगे और फिर इस पर हम UV मास्किंग भी करेंगे और इस सारे पॉइंट को हम दोबारा चेक करेंगे कि कोई और पॉइंट पर तो मसला नहीं है। तो मैं अभी सारे पॉइंट को मल्टीमीटर के साथ चेक करता हूँ। ये दो पॉइंट को हम जम्पर करेंगे और UV मास्किंग करेंगे इसका ताकि दोबारा ये अपनी जगह से ना उतरे ये पॉइंट और दोबारा इसमें ये मसला ना सके। तो मैं एक एक पॉइंट को मल्टीमीटर से चेक करता हूँ। ये तीसरा पॉइंट भी ओके है, इस पर भी रीडिंग आ रही है। चौथा पॉइंट तो माइनस है और पांचवा पॉइंट पर भी रीडिंग आ रही है। छठे पॉइंट पर भी रीडिंग आ रही है। इसको हम जम्पर करेंगे फिर देखेंगे, इस पर भी रीडिंग आ रही है और इस पर भी, और ये हम जम्पर करेंगे इस पर भी रीडिंग आ रही है और इस पर भी, और सारे पॉइंट ओके हैं। दो पॉइंट को हम जम्पर करते हैं और देखते हैं कि इस पर रीडिंग आ रही है या नहीं। तो मैं जल्दी से इस दो पॉइंट को जम्पर करता हूं और फिर मैं आपको इसकी रीडिंग भी बताता हूं। दोनों पॉइंट को मैंने जम्पर कर दिया है और अभी मैं चेक करता हूं तो इस पर भी अभी रीडिंग आ रही है और इस पर भी रीडिंग आ रही है। तो अभी मैं इस पर UV मास्किंग करता हूं ताकि दोबारा इसके जो पॉइंट है कवर हो सके और दोबारा ये अपनी जगह से ना उतर सके। और इसको हम फिर UV लाइट के ज़रिए से सुखाएंगे। तो अभी मैं इसको सारे पॉइंट को मैं कवर करता हूं। UV मास्क सूख हो चुका है तो अभी हम इस पर LCD को दोबारा लगाते हैं और देखते हैं कि जो इसका वाइट LCD का प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुका है या नहीं। तो स्क्रीन लग चुका है और अभी हम इसको फिट करते हैं और देखते हैं जो इसका वाइट LCD का प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुका है या नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा हुआ हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं वीडियो आपको कैसी लगी और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है। तो अभी मैं इसमें बैटरी को इंसर्ट करता हूं और मोबाइल को ऑन करता हूं कि इसका जो वाइट LCD का प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुका है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो वाइट LCD का प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो को फुल वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में।
तब तक के लिए खुदा हाफिज़।